रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में मकर संक्रांति के पर्वों को लेकर मां खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ये आयोजन हर साल किया जाता है। तो वहीं उन्होंने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और हम चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से न्याय को लेकर निकाली जा रही न्याय यात्रा को लेकर कहा कि ये यात्रा देश के 15 राज्यों में जाएगी और इसका शुभारंभ मणिपुर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर पूरे देश की जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा के माध्यम से इस बार निश्चित तौर पर देश में सत्ता परिवर्तन होगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब देश के शंकराचार्य ने मंदिर को अपूर्ण बताते हुए कहा कि अभी वहां पर शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे में भाजपा के लोग देश की जनता को बरगला कर ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल भाजपा का कार्यक्रम बन कर रह गया है कि सूर्य उत्तरायण में चले गया है। मकर संक्रांति कल थी, कल हम लोगों की राष्ट्रीय प्रभारी शैलजा जी देहरादून आई थी, तो इसलिए इस कार्यक्रम को आज किया गया है। माघ का महीना शुरू हो चुका है, इस माघ के महीने में पूरे उत्तराखंड में जो है माँ की खिचड़ी का आयोजन किया जाता है, तो आज यहाँ और वर्षों की भांति हमने भी इस कार्यालय में माँ खिचड़ी का आयोजन किया। चुनाव के लिए हम तैयार हैं, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, हमारे पास चुनाव के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बूथ लेवल तक की हमारी कमेटियाँ बनी हुई हैं और अनुभव है, चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे। देखिए, न्याय यात्रा कई जगह नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है उत्तराखंड में ही नहीं आएगी। न्याय यात्रा इस समय 15 स्टेटों में जा रही है, बहुत सारे स्टेट छूट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में न्याय की मांग को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं और उसकी शुरुआत उस मणिपुर से की है, जो मणिपुर पिछले 6 महीने से ज़्यादा से अशांत है, जहां के लोगों ने अपने लोगों को खोया है, अपने कारोबार को, अपनी सुख शांति को खोया है, तो उनका दुख दर्द समझने शुरुआत में भी राहुल गांधी वहाँ गए थे। इस समय न्याय यात्रा की शुरुआत उन्होंने ऐसी जगह से की है जहाँ कि अभी तक प्रधानमंत्री भी नहीं गए। इस अयोध्या का जो कार्यक्रम है, हमारे सनातन धर्म के जो शीर्ष संत हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने तक कह दिया है कि मंदिर अपूर्ण है और किसी भी अपूर्ण मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, वो जो है न परंपरागत है और न ही जो है साथ सम्मत है, तो इसलिए जो ये कार्यक्रम है, संतों ने भी उसको एक दल विशेष का राजनीतिक कार्यक्रम घोषित किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेस क्यों जाएगी? हाँ,